साहित्य सागर गद्य भाग ICSE पाठ्यक्रम विषय 10 दो कलाकार लेखिका मन्नू भंडारी। प्रस्तुत विषय में कलाकार की असली परिभाषा के बारे में बताया गया है। असली कलाकार कौन होता है इसी बात की चर्चा की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं विषय दो कलाकार। ए रुनी उठ, और चादर खींच कर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक झुंझलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। हजार बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाया जाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। फिर तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो तुम्हें यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रखती हो। क्या घन चक्कर बनाया है। अरुणा ने चित्र को एक ओर रख दिया और वह मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए, चलिए। आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो मैं अभी आई। बच्चे दौड़ पड़े। चित्रा हंसकर बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, जरा लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को महान समाज सेविका समझती थी। चाचा समझते हैं तो समझते हैं, तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करते। और पैरों में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली गई, जहाँ बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रविवार के दिन इसी प्रकार अरुणा पाठशाला लगाए करती थी। दूसरे दिन 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां हॉस्टल लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय। चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है कि जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है क्या? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? दो कलाकार कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की परिभाषा को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेखिका के अनुसार सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति और सरोकार रखता हो। चित्रा जहां अनाथ बच्चों का चित्र बनाकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती है,
वहीं अरुणा उन बच्चों को अपनाकर सामाजिक आदर्श का अनुपम उदाहरण बनती है। इस विषय में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वे हैं गलतफहमी, प्रतीक, इकलौती, साधन, उल्लास, ढिंढोरा पीटना, रोब खाना, तूली, हुनर, निरक्षर, फरमाइश, घन चक्कर, पंडिताइन, सामर्थ्य, मूसलाधार, ईर्ष्या, नवाबी चलाना, हाड़ तोड़कर परिश्रम, शोहरत, तमन्ना, लोहा मानना, प्रदर्शनी, 84 लाख योनियां, झंडा लेकर निकल पड़ना, शोहरत के ऊंचे कगार पर ज्ञान की छाप लगाई। इन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। अरे, इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठे, बस यही तमन्ना है। कागज पर इंद्रजीत चित्रों को बनाने की अपेक्षा दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास तो सामर्थ्य है, साधन भी है। वह काम तो मैंने तुम पर छोड़ दिया है। और चित्रा हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा ये बता कि तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? या झोपड़ी में 10-20 औरतों को हुनर सिखा कर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उससे गरीबी मिट जाएगी, उनकी दशा सुधर जाएगी? अरे, ये सब काम एक के किए नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं हो। फिर दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती और चित्रा अंत में कान पर हाथ रखकर उठ जाती। अच्छा अच्छा, बंद कर ये लेक्चर बाजी, बोर कहीं की। पिछले 5 वर्षों से इसी प्रकार का क्रम चल रहा था। हर 10-20 दिन बाद दोनों में अपने अपने उद्देश्यों को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस हो ही जाती। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही न लेती थी। अरुणा दिन भर चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तो है नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती है, फेल हो गई तो? आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल साहिबा से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तब भी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जैसा दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो आया। वहाँ लोगों के जीने के लाले पड़ रहे हैं और उसमें भी इसे चित्रकारी ही सूझती है, और ना जाने कितनी बातें सोचते सोचते वह सो गई। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, गनीमत है तू लौट आई, मैं सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊं। क्यों, तेरे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक रहा था। सच कह रही है तू, चली जाएगी चित्रा?
5 साल से तेरे साथ रहते रहते मैं तो भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अरे 2 महीने बाद तेरी शादी होने वाली है, फिर याद भी ना रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। आज चित्रा को जाना था, हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, फिर गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली है। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती से चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो? गर्ग स्टोर्स के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारन बैठी रहती थी ना, लौटी तो देखा कि वह वही मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक स्केच बना ही डाला, बस इसी में इतनी देर हो गई। साढ़े 4 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह इस विदाई की बेला में उससे मिलने जरूर आएगी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिल कर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। अरुणा ना आई सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा मन तन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत की ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे नवीन सृजन की प्रेरणा देते और वह उन्हें में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती, अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर गदगद थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहां कहां उठाएं बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी, भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए। उस भीड़ भाड़ में अचानक चित्रा की भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। उसने पूछा, तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़की की उम्र 10 साल की होगी, तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। परिचय हुआ
साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एक तक देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैले की फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद शब्द उसके विचारों में ही खो गए। चरित्र चित्रण। अरुणा। अरुणा कहानी की प्रमुख पात्रा है और चित्रा की घनिष्ठ मित्र है। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, किंतु उसका मन समाज सेवा में ज़्यादा लगता है। वह हर समय समाज सेवा में व्यस्त रहती है। वह गरीब बच्चों को पढ़ाना अपना कर्तव्य समझती है। वह भावुक, संवेदनशील, दयालु, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाली, दूसरों की समस्या व संकट में स्वयं को भुला देने वाली लड़की है। एक भिखारी होने पर उसके अनाथ बच्चों को अपनाकर अरुणा उन्हें अपनी ममता की छाया प्रदान करती है। चित्रा। चित्रा अरुणा की सखी है, जो उसके साथ हॉस्टल में ही एक कमरे में रहती है। चित्रा धनी पिता की एकमात्र संतान है। समाज के उपेक्षित वर्ग के कष्टों से नितांत अनभिज्ञ उसे कला से अति प्रेम है। वह महत्वाकांक्षी तथा कला जगत में यश प्राप्त करने की इच्छुक है। उसकी सहृदयता और संवेदनशीलता मात्र चित्रों तक सीमित है। अपनी भावनाओं को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करने में वह कुशल है। समाज से प्रत्यक्ष रूप में न जुड़ पाने के कारण ही चित्रा का चरित्र अरुणा के सामने बौना लगता है। शीर्षक की सार्थकता। दो कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में कथानक शुरू से लेकर अंत तक दो कलाकार सहेलियों के आसपास घूमता रहता है। एक चित्रकार है तो दूसरी समाज सेविका। एक कला के प्रति समर्पित है और जीवन के रंगों को कैनवस पर उतारना चाहती है, जबकि दूसरी जीवन का सार सेवा भाव में खोजती है। इस तरह दोनों की रुचियों को, उनके लक्ष्य को कहानी में स्पष्ट किया गया है। कहानी के अंत में दोनों सहेलियों की मुलाकात जब होती है, तब चित्रा एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुकी होती है। जिस भिखारिन के बच्चों वाली चित्र ने चित्रा को प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था, उन्हीं बच्चों का पालन पोषण अरुणा करती है। अतः यह प्रश्न उभर कर सामने आता है कि कौन कलाकार है, वह जिसने चित्र बनाया है या वह जिसने पालन पोषण किया है। अतः दोनों कलाकार मिलकर कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।